अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम उर्दू में निज़ाम शमसी, ठीक है। अब पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था जो कि हमारे पास जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। वो थ्योरी ये थी कि जो हमारे पास अर्थ है ना, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं ना, वो जो चीज़ है ना वो बीच में है, ठीक है, और उसके आगे पीछे जो है ना पूरे राउंड, ठीक है, हमारे पास जो है प्लैनेट हैं। मगर उसके बाद ये हमारे पास कंसिडर की जाती है जियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके बाद हीलोसेंट्रिक थ्योरी आई जो कि हमें दी थी निकोलस कॉपरनिकस ने, ठीक है। निकोलस कॉपरनिकस ने ये हमें थ्योरी दी थी और इन्होंने का इसमें ये कॉन्सेप्ट था, ये देखें, कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसा नहीं है कि अर्थ बीच में है और आगे पीछे प्लैनेट है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सन बीच में है और जो आगे पीछे हैं वो हमारे पास सारे प्लैनेट हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो प्लैनेट हैं हमारे पास वो 8 हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मरकरी, फिर हमारे पास आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून, ठीक है। अब इसमें असल में होता ये है, देखें, ये वाले जो प्लैनेट है ना ये हमारे पास कहलाते हैं गैसियस प्लैनेट, और ये वाले जो प्लैनेट है ना ये हमारे पास कहलाते हैं सॉलिड प्लैनेट। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन से प्लैनेट जो हैं वो गैसियस हैं और कौन से प्लैनेट जो हैं वो सॉलिड हैं। तो अगर सॉलिड पर आएगा तो आप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को टिक करेंगे, ठीक है। ये सारे सॉलिड हैं, ये जो चारों हैं ना ये सॉलिड हैं, और ये वाले चारों जो हैं ये हमारे पास गैसियस कहलाते हैं क्योंकि ये गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है। अब पहले ये चीज़ समझें, ये जो है ना ये सारे स्टोन होते हैं। इस पे मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगी, ठीक है, मगर मैं फिर भी आपको एक ऐसी थोड़ी सी नो हाउ दे दूँ कि ये वाले जो चीज़ होती है ना ये चीज़, ये सारे स्टोन हैं और ये सारे स्टोन हैं हमारे स्पेसिस में, हमारे अर्थ से बाहर, हमारे प्लैनेट के बाहर स्टोन्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप के स्टोन्स होते हैं, एक होता है मेटोराइट, ठीक है, एक होता है एस्टेराइट, ठीक है। ये दोनों स्टोन होते हैं, इस पर मैं आपको एक जो कहते हैं वो अलग से एक पूरी वीडियो बना के समझाऊंगी कि ये दोनों स्टोन हैं क्या, इनका वर्क क्या है और ये बने हुए किसके होते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम मरकरी की। चलें, मरकरी जो होता है ये हमारे पास फर्स्ट प्लैनेट होता है क्योंकि सन के बाद डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, वो होता है मरकरी, ठीक है। मरकरी जो होता है हमारे पास फर्स्ट प्लैनेट होता है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है, सन से नियरेस्ट क्लोजेस्ट यही प्लैनेट होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सन से जो सबसे ज़्यादा जो क्लोज प्लैनेट है वो कौन सा है, वो हमारे पास मरकरी आता है, ठीक है। मरकरी जो होता है ना, अब देखें, अब जो सोचने वाली बात है, हमारे पास जो डेज़ होते हैं, मतलब जो हमारे वो हैं, तो हमें पता है कि 365 डेज़ के अंदर हमारा जो एक साल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमें ये पता है कि जो हमारे जो अर्थ है, ठीक है, वो 365 डे जो है वो पूरा अगर यहाँ से स्टार्ट करा है तो वो यहाँ से आके यहाँ पे ख़त्म करेगी, ठीक है। जो हमारा पूरा जो रिंग है उसके ऊपर जो हमारी अर्थ समझ लें एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल पूरी यूं घूम कर आएगी, यहाँ पे आके रुकेगी तो हमारा एक साल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे अर्थ में कितने डेज होते हैं, वो होते हैं 365 डेज, ठीक है। 365 डेज जो होते हैं, मगर हमारे पास जो मरकरी है, मरकरी सन के करीब है, ठीक है, तो उसका मतलब जो इसका रिंग है जहाँ पे वो इवॉल्व कर रहा है वो उसका रिंग छोटा होगा क्योंकि मरकरी है, ठीक है। फिर उसके बाद वीनस है, ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ को 365 डेज लग रहे हैं तो वीनस को तो और वो वीनस को कम लगेंगे और फिर मरकरी को उससे भी कम लगेंगे। तो मरकरी को ना सबसे शॉर्टेस्ट एयर कहा जाता है। मरकरी पूरा एक साल जो है वो अपना कंप्लीट करता है अर्थ के अकॉर्डिंग 88 डेज में। 88 डेज जैसे कंप्लीट होंगे अर्थ के, तो मरकरी जो होगा उसका जो नया एयर जो होगा वो शुरू हो जाएगा। और हालांकि अर्थ का जो नया एयर शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है, आफ्टर 365 डेज, ठीक है। उसके पास ना एटमॉस्फेयर नहीं है मरकरी के पास। असल में होता ये है, एटमॉस्फेयर आप ये समझ लें गैसेस, जिसमें हमारे पास मीथेन होगी, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब जो गैसेस होती हैं। होता ये है कि हमारे पास जो ये अर्थ है ना, ठीक है, अर्थ के ये पूरा जो है ना यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, ये पूरा एक रिंग होता है, समझ लें यहाँ पे सारी सिर्फ गैसेस होती हैं, ठीक है, मगर ये सिर्फ अर्थ पे होता है, यहाँ पे सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। और ये जो रेट होता है ना, मतलब ये कितना लंबा होता है, ये होता है तकरीबन 10,000 किलोमीटर। ये जो पूरा रिंग होता है ना 10,000 किलोमीटर होता है। फिर जब 10,000 किलोमीटर हम क्रॉस कर लेंगे तो फिर यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से मतलब स्पेस शुरू होगा। तो ये जो पूरी जो ये गैसेस हैं ना, ये सारा हमारे पास क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है, जो कि हमारे जो अर्थ होती है उसको प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। इसी के अंदर हमारे पास ओजोन लेयर भी होती है, ठीक है, इस पर मैं आपको अलग से लेक्चर बना के समझाऊँगी। तो इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता,
उसका टेम्परेचर कितना होता है अगर हम रात की बात करें, ठीक है, अगर हम रात की बात करें तो रात में हमारे पास क्या टेम्परेचर जाएगा, -170, ठीक है, और अगर हम डे की बात करें तो डे में सबसे जाएगा 450,